तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और यहाँ पर आप कमेंट देख सकते हो। सबसे पहला यहाँ पर इन्होंने बोला है वन चैलेंज प्लीज़ डाउनलोड पबजी। तो गाइस यहाँ पर इन्होंने बोला है कि भाई पबजी डाउनलोड करके दिखाओ मेरे वाईफाई पे कितना टाइम लेता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसी वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है। ये यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो वाईफाई मेरा 5 GHz डुअल बैंड राउटर है, तो मैंने 5 GHz पर कनेक्ट किया है। और ये वीडियो नेट प्लस के वाईफाई की स्पीड टेस्ट के ऊपर ही है। तो सबसे पहले मैं आपको स्पीड टेस्ट भी दिखा देता हूँ। 50 Mbps का प्लान मैंने लगवा रखा है फाइबर का। तो अब यहाँ पर आप स्पीड देखना, और उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये पबजी कितने देर में डाउनलोड हो जाती है। तो पहले यहाँ पर आप स्पीड देख सकते हो। 50 Mbps के प्लान के अंदर यहाँ पर मेरे को 60+ की स्पीड मिल रही है और 6 का पिंग है। और यहाँ पर एक्चुअल स्पीड आपको 7.7 Mbps है, मतलब जो ओरिजिनल आती है फ़ोन के अंदर वो 8 से डिवाइड होकर ही शो होती है। तो अब डाउनलोड करते हैं पबजी। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि पबजी प्ले स्टोर पर नहीं है, तो इसलिए हमें APK से करने पड़ेगा। मेरे पास पहले से ही पबजी का APK पड़ा था, तो यहाँ पर मैं इसे डायरेक्ट इंस्टॉल कर लूँगा। तो अगर आपके पास पबजी नहीं है, आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो सिंपल से आप जिसके फ़ोन में पबजी है उससे APK ले लो। APK एक्सट्रैक्टर एक ऐप आता है, उससे वो एक्सट्रैक्ट होकर आपके फ़ोन में शेयर हो जाएगी। उसके बाद डायरेक्ट आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर देना है, जैसे मैं यहाँ पर अब करने वाला हूँ। और साथ में टाइमर भी लगा दूंगा कि कितनी देर में ये मेरे वाईफाई से डाउनलोड करके दिखाता है पबजी को। तो टाइमर यहाँ पर लग चुका है, और यहाँ पर आप देख लेना। तो दोस्तों जैसे कि आप ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में देख पा रहे हो, डाउनलोडिंग रिसोर्सेज लिखा आ रहा है, और ऊपर स्पीड भी आनी स्टार्ट हो गई है। इसे मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूंगा आपको कि इसमें एक्चुअल में कितनी स्पीड आ रही है। 7.5 Mbps की इसकी एक्चुअल स्पीड आ रही है डाउनलोडिंग की। तो अब हम वेट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, 4 मिनट 27 सेकंड के अंदर ये डाउनलोड हो चुका है। जितना भी इसका OBB डाटा था, ऑलमोस्ट 2 से ऊपर ज़्यादा GB का था। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये चल भी चुकी है। अब ज़रा इसका रिसोर्सेज को अनपैक होने देते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे मिलता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बड़ी आराम से ये 4 मिनट के अंदर ही डाउनलोड हो चुकी है पबजी। अब जरा इसे लॉगिन कर लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं आपको इसके मैप डाउनलोडिंग स्पीड भी आपको दिखाने वाला हूँ आगे। और ये सब हो पा रहा है मेरे नेट प्लस के कनेक्शन की वजह से, जो मैंने लिया था 599 रुपये का, जिसके अंदर मेरे को 50 Mbps की प्लान स्पीड मिली थी। फाइबर कनेक्शन है जिसकी वजह से मेरे को स्टेबल स्पीड मिल रही थी, और पिंग भी बिल्कुल कम मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, बहुत आसानी से मैंने 5 मिनट के अंदर ही डाउनलोड कर ली पबजी, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो, एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि पबजी डाउनलोड करके दिखाओ मेरे वाईफाई पे। तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है, और स्पीड मेरे को मिल रही थी लगभग 8 Mbps के आसपास की, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना मेरे को। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।